केवल वे ही जीवित हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, शेष सब मृतक समान हैं। स्वामी विवेकानंद जी की इसी विचारधारा का अनुसरण करते हुए सेंट विवेकानंद मिलेनियम फुल HMT पिंजौर ने में विगत 9 वर्षों की भांति 4 अगस्त 2019 को विवेकानंद छात्र उद्यान मंच के तहत 10वां मानव कल्याण शिविर हुआ। विवेकानंद छात्र उद्यान मंच छात्रों, अध्यापकों व अभिभावकों का मंच है, जिसकी गतिविधियों के माध्यम से बच्चों के भीतर सामाजिक उत्तरदायित्व व मानवीय संभावना उत्पन्न करने के साथ साथ उन्हें संवेदनशील बनाया जाता है। इस मानव कल्याण शिविर के तहत विभिन्न शिविरों का आयोजन किया गया। प्रिंसिपल सेठ विवेकानंद मिलेनियम स्कूल, आपका स्कूल प्रांगण में स्वागत करता हूँ। आज हमने यहाँ पर स्कूल के अंदर 10वां मानव कल्याण शिविर लगाया है। इस छात्र ये जो शिविर है, इसका आयोजन हमारे यहाँ पर विवेकानंद छात्र उत्थान मंच है कि जो कि बच्चों का, हमारे स्टाफ का और हमारे अभिभावकों द्वारा ये जो है ना, इसका आयोजन होता है। तो इसके अंतर्गत हर वर्ष हम एक मानव कल्याण शिविर लगाते हैं। इस मानव कल्याण शिविर में आज जो है ना, आई डोनेशन, आई चेकअप, डेंटल चेकअप, ब्लड डोनेशन, आई डोनेशन, बॉडी डोनेशन, कैंसर डिटेक्शन कैंप, फ्री आयुर्वेदा कैंप, फ्री होम्योपैथी मेडिसिन एंड चेकअप कैंप का आयोजन हो रहा है। और ये सारे आयोजन के पीछे हमारा स्टाफ और आज इसको करने के लिए हमारे बच्चे ही आगे इस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ के सेवा कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के अंदर वो, उनको जो है ना, जिसको कहते हैं कि एक कंप्लीट एजुकेशन, जो स्वामी जी का था ना कि वी वांट दैट एजुकेशन बाय विच करेक्टर इज फॉर्म, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड इज इंक्रीज्ड, इंटेलेक्ट इज एक्सपेंडेड एंड बाय विच वन कैन स्टैंड ऑन वन ओन फीट, वाली एजुकेशन इन बच्चों के अंदर हम जो है ना दे सकें कल, ताकि ये बच्चे किसी भी संस्था को कहीं पे भी जाके कोई काम करेंगे तो उनको पता होगा कि इस तरीके के सामाजिक कार्य को करने के लिए, आयोजन करने के लिए क्या क्या करना होता है, तो ये भी उस संस्था के अंदर ऐसे आयोजन कर सकेंगे।